हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज है ट्यूसडे, मंगलवार, और अभी सुबह का बज रहा होगा आई थिंक 6:30। तो जस्ट मैं मॉर्निंग रिंग में आने जा रही थी क्योंकि विंटर आ चुका है, और विंटर में एज यू नो कि हम सब चेंज करते हैं अपना मॉर्निंग रिंग, और सबसे इफेक्टिव रिंग है। और इसीलिए मैं जब ठंड आ जाती है, जाड़ा आ जाता है, तो मैं काफ़ी अच्छा वेट लॉस करती हूँ, काफ़ी अच्छा इंच लॉस करती हूँ, बिकॉज ये ड्रिंक मैजिकल ड्रिंक है और काफ़ी अच्छा वेट लॉस करता है। चर्बी को बहुत तेज़ी से पिघलाता है। जिनको भी फैट की दिक्कत है, वेट की दिक्कत नहीं है, सिर्फ फैट की दिक्कत है। वेट तो मतलब जाता ही जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फैट बहुत अच्छे से जाता है। क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ, इसमें जो बताऊँगी अभी आगे आपको, ये पूरे ठंड मेरा चलने वाला है नॉन स्टॉप। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करती हूँ फुल डे, उसका वीडियो भी बहुत ही जल्दी आएगा, कल परसों में आ जाएगा। तो अगर इस ड्रिंक के साथ वो चीज़ आप पूरे दिन लेते रहोगे तो बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाला है आपकी बॉडी पे, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, बहुत ही अच्छा वेट लॉस करेगा। और जिनको भी दिक्कत है कि ठंड में पसीना नहीं आता है, वेट गेन करते जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये ड्रिंक है। तो कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। मैं बनाने ही जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना इसमें वीडियो भी शूट कर लें, इसलिए मैं आपको कोई भी तैयार होके या कुछ भी ऐसे अपने परमानेंट प्लेस में नहीं दिख रही हूँ, जस्ट किचन से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं इसको और कैसे पीते हैं। लेकिन इस ड्रिंक को ट्राई ज़रूर करिएगा, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थायराइड पेशेंट जरूर इसको ट्राई करें क्योंकि स्वेलिंग बहुत अच्छे से उतरेगी, और यकीन नहीं होगा आपको कि आप एक दिन में इतना अच्छा वेट लॉस कर रहे हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन फ्रेंड, ड्रिंक बताने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं हैशटैग वुमेन हाइजीन पे ऐसे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाइजीन का नेक्स्ट पार्ट है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। क्योंकि जैसे कि आप अपने फेस के लिए अलग चीज़ लेते हैं, फुट क्रीम अलग लेते हैं, हैंड क्रीम अलग लेते हैं, ठीक है, आई क्रीम अलग लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको वेजाइना के लिए भी वॉश अलग लेना चाहिए। और ये इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा पीएच लेवल वहाँ का, यानी कि हमारी वजाइना का और हमारे दूसरे अदर पार्ट्स का पीएच बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा इंटीमेट वॉश चाहिए, जो कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पर खुजली रहती है या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, मतलब कि, और देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये, मतलब ये मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती ये कौन सी बॉटल, किस कितने नंबर की ये बॉटल है। और हमेशा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा आपको, हर तरह से अच्छा है, 100% नेचुरल है, और मतलब एक्स्ट्रा माइल्ड फॉर ऑल स्किन टाइप है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो मैंने अदर ब्रांड्स का देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी भी ब्रांड का, उसमें क्या होता है कि उसमें नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं, और मुझे ये एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और जो चीज़ पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, वही चीज़ मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ, इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करती हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ड्रिंक बनाना आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको ऑफकोर्स सबसे पहले पानी जो है अच्छे से गर्म करना है, मतलब इतना गर्म करना है गुनगुना कि ये अच्छे से गुनगुना हो जाए और आप पीते बन जाए, बिल्कुल खौलाना नहीं है पानी को, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पानी अच्छे से खौल जाए तब मैं दूसरे इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ। तो पानी जब हल्का सा गुनगुना हो जाए तो 1 टेबल स्पून आपको इसमें अदरक घिस के डालनी है। आप कूट के, घिस के, कैसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में स्पेशली लोग ये बोलते हैं कि आपने क्या डाल दिया मुझे पता नहीं चला। तो ये मैंने जिंजर यानी कि अदरक डाला है, 1 टेबल स्पून घिस के डाली है, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं पानी गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है, इट मीन्स कि हमारा अदरक का जो एक्सट्रैक्ट है इस पानी में आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गैस ऑफ करनी है, देन इसके बाद इस पानी को आपको स्ट्रेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे स्ट्रेन करूंगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है लेमन, और अच्छे खासे बड़े साइज का, छोटा मोटा नहीं लेना है, अगर छोटा है तो दो लेने हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से स्ट्रेन करूंगी। स्ट्रेन करने के लिए मैं अगेन एक छन्नी लूंगी। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं अपने मैजिकल इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि आपके चर्बी को पूरी तरह से पिघलाने वाला है। तो अब बारी आती है लहसुन की, चार कली लहसुन लेना है। देखिए मार्केट में जाइए और वो जो सुंदर सुंदर सा बड़ा बड़ा सा लहसुन दिखता है ना, वो मत लीजिएगा। वो जो छोटे छोटे से सस्ते वाले जो लहसुन होते हैं वो लेना है आपको, बड़े वाले लहसुन नहीं लेना है। और इसे आपको हल्का सा कूट देना है, यानी कि एक एक बार इनको दबा देना है, फोड़ देना है अगर आप बोले तो। और इस वाले पानी में आपको डाल देना है। देखिए अगर खौलते पानी में आप डालेंगे तो लहसुन के सारे एक्सट्रैक्ट मर जाएंगे, आपको एक चीज का भी बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ऐसे डालिए और एक से दो मिनट तक इसे ऐसे ही रखिए। एक से दो मिनट हो जाए इट मीन्स कि आपका इंग्रेडिएंट जो एक्सट्रैक्ट है इसमें आ गया है, और इसे सिप सिप करके पी लीजिए। लहसुन मुंह में जा रहा है नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप पूरी ठंड ये लीजिए। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 3 से 4 दिनों के बाद ही आपका जो चर्बी है ना वो पिघलने लगेगी, जस्ट लाइक मोम। तो एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। साथ ही साथ पूरे दिन आपको क्या पीना है ठंड में वो भी मैं बताऊंगी, कि आप देखेंगे इस ठंड आप कितना दुबले होने वाले हैं, इस ठंड आप कितना स्वस्थ भी होने वाले हैं, दुबले होने के साथ साथ स्वस्थ भी होने वाले हैं। क्योंकि दुबला होना दो तरह से होता है, एक होता है कि आप बहुत कमजोर दिख रहे हो, आप बहुत वीक दिख रहे हो, बहुत बीमार दिख रहे हो, एक होता है कि नहीं आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, आपकी स्किन भी अच्छी। तो इस ड्रिंक के साथ आपका वही होगा कि फिगर भी मेंटेन लगेगा, स्किन ग्लो करेगी। तो एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा। इस ड्रिंक को बनाना बहुत आसान है, बनाइए पीजिए। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप बहुत अच्छा वेट लॉस करोगे, बहुत अच्छा इंच लॉस करोगे। और सच में मैं बता नहीं सकती कि कितना अमेजिंग वर्क करने वाला है आपकी बॉडी पे ये। और साथ ही साथ जो फुल डे आपको लेना है उसको भी मैं दिखाऊंगी। और सच में मानिए फ्रेंड्स कि आप सच में बैठे बैठे वजन कम करने वाले हो। तो अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।